अब देख लेते हैं 20 मिनट 20 खबर। एमपी में नए सीएम ने नया फरमान जारी किया। मोहन यादव सीएम बनने के बाद एक्शन में हैं। उन्होंने भोपाल में कैबिनेट की पहली बैठक ली। पहली बैठक में ऐसा एक्शन लिया कि प्रदेश में चर्चा का बाजार गर्म है। उन्होंने पहला ही बड़ा फैसला लिया। सीएम ने एमपी के धार्मिक स्थल समेत हर जगह पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी है। सीएम ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। लाउडस्पीकर की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्ते बनाने के निर्देश दिए गए। इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। मतलब साफ है कि सीएम साहब फुल मूड में हैं। उन्होंने पहले ही बैठक में संदेश दे दिया और ये संदेश कह रही है कि मोहन का पैगाम है, लाउडस्पीकर पर लगाम लग गया है। तो वहीं लाउडस्पीकर पर लगाम लगाने और खुले में मांस की दुकानों पर रोक लगाने के सीएम के फैसले पर सियासत गर्माने लगी है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगार युवाओं पर सरकार क्या नीति बना रही है, ये जरूरी है। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर राजकुमार राव उज्जैन पहुंचे हैं। स्त्री 2 की शूटिंग के दौरान फिल्म की सफलता के लिए महाकाल मंदिर में पूजन अनुष्ठान करवाया। इस दौरान पत्नी पत्रलेखा भी साथ रही। दोनों ने महाकाल के दरबार पहुंचकर ग्रह शांति और अभिषेक पूजन किया। वहीं मंदिर के पुजारी यश गुरु ने पूजन सम्पन्न करवा कर बताया कि राव करीब 3 घंटे मंदिर में रहे। पति पत्नी दोनों ने पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव ने बताया कि इंदौर के आसपास स्त्री 2 फिल्म की शूटिंग होनी है और इसके चलते वे इंदौर आए थे, इसलिए सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं। राव ने कहा कि कई दिनों से इच्छा थी कि महाकाल मंदिर के दर्शन मिल जाएं। आज मेरा सौभाग्य था और मेरी इच्छा पूर्ण हुई। अब हमेशा इस मंदिर के दर्शन के लिए आता रहूँगा। शिवपुरी के कोलारस में एक पिता ने गुंडे भेजकर अपने बेटे, बहू और पोती को पिटवा दिया। बदमाशों ने दुकान में घुसकर बेटे से मारपीट की। बीच बचाव करने आई पत्नी और बेटी को भी पीटा। मारपीट के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पीड़ित बेटे ने बताया कि वो अपने मेडिकल स्टोर पर अपनी पत्नी शारदा और बेटी मनु के साथ बैठे थे। इसी दौरान 7 से 8 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे और मुझे मारते हुए दुकान के बाहर ले गए। मेरे साथ लात घूसों और डंडों से जमकर पिटाई की। जब मेरी पत्नी और बेटी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की। पड़ोसियों ने जैसे तैसे हमें बचाया। इसके बाद सभी बदमाश भाग गए। मामले की पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अब मौसम की मनमर्जियां शुरू हो गई हैं। कहीं हवाएं सर्द हैं तो कहीं की रातें कपकपा रही हैं। एमपी में ठंड ने दस्तक क्या दी, अगहन का महीना पूस लगने लगा है। प्रेम चंद्र की रचना अब एमपी में हकीकत हो चली है। सर्दी का सितम अब लोगों को सता रहा है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी की वजह से प्रदेश के कई शहरों में पारा लुढ़क गया। प्रदेश के 3 शहरों में तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जबलपुर, दमोह, ग्वालियर में पारा गिरने से ठंड और ज्यादा पड़ गई है। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री पहुंच गया है। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज हुआ है। जबलपुर में भी पिछले 24 घंटों से तेजी से पारा गिर रहा है, जहां न्यूनतम पारा 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसकी वजह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। अनुमान ये भी है कि आने वाले दिनों में पारा और तेजी से लुढ़क सकता है। दमोह में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। सर्दी और तेज हवाओं ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। नगरपालिका ने सार्वजनिक स्थानों पर आग के अलाव जलाने की व्यवस्था की है, जिससे मुसाफिरों के साथ साथ फुटपाथ पर रात बिताने वालों को थोड़ी राहत मिल सके। इस बीच बुधवार की रात नगरपालिका की सीएमओ सुषमा धाकड़ दमोह की वृद्धाश्रम पहुंच गईं। उन्होंने हालातों का जायजा लिया। शाजापुर में पतंग उड़ाने वाले चाइना डोर ने एक शख्स की जान ले ली है। शख्स बाइक से जा रहा था, इस दौरान बाइक चालक के गले में पतंग उड़ाने वाली चाइना डोर फंस गई और सवार का गला कट गया। वो बुरी तरह से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक शहर के दासी मोहल्ले में रहने वाली शानू खान, जिनकी उम्र 58 वर्ष है, वो अपनी बाइक से बेरछा रोड पर जा रहे थे। इसी दौरान पतंग उड़ा रहे कुछ बच्चों की पतंग की डोर उनके गर्दन के पास आकर उलझ गई। चाइना डोर से गला कटने से खून बहने लगा। शानू खान घायल हालत में खुद ही बाइक से जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने तुरंत उनका माइनर ऑपरेशन किया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक चाइना डोर से 4 लेयर श्वास नली तक कट गई थी, जिसका समय रहते ऑपरेशन किया गया और अब हालत खतरे से बाहर है। जिला कलेक्टर किशोर कुमार
कन्याल ने आज फिर आदेश जारी कर दिया है कि चाइना डोर के उपयोग पर धारा 144 के तहत खरीदी और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि प्रतिबंध के बावजूद शाजापुर में चाइना डोर का उपयोग और बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है।